نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <applause> अलाफ़ी बिमाफ़ सही हीन सही बुखारी और सही मुसलम की अहादीस पे मुश्तमिल एक अजीम किताब किताब दस मकसद में तकसीम है उनमें से पाँचवा मकसद हम पढ़ रहे हैं और उसका नाम है अलाजादरूरिया इंसान से मुतल ज़रूरी हाजात लाजमी हाजात और इस मकसद में कई ये कितब हैं उन में से दूसरी किताब हम पढ़ रहे हैं किताबुललिबासी वज़ीना और इस किताब में कई एक अब हैं उनमें से ग्यारहवें बा बाब आज शुरू करेंगे और यह है बाब नंबर ग्यारह बाब आरियात ये बाब है उन औरतों के बारे में जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होती हैं और हदीस नंबर है ग्यारह सौ अठहत्तर वन वन सेवन एट मीम यानी कि इस हदीस को इमाम मुस्लिम रिहम्ला ने अपनी हदीस की किताब में जगह दी है अन अबी हरे रतकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत है जनाब अबू हुरा रज़ी तु से वह कहते हैं कि फरमाया रसूल सल्हु वसम ने नार लम आरोम जहन्नम वालों की दो किस्में हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा यानी कि जहन्म में जाने वालों में से दो जहन्नम वालों की ऐसी किस्में हैं जो मैंने अभी नहीं देखी यानी कि मेरे ज़माने में मौजूद नहीं, नहीं हैं जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम की आग में उन्हें डाला जाएगा लेकिन आप फरमाते हैं, मैंने उनको नहीं देखा वो कौन सी दो किस्में हैं वो कौन से दो लोग हैं फरमाया क़ौम सयातन का अजनाबिलबकर नंबर एक वो लोग माहम सयातन जिनके पास कोड़े होंगे सयात सौत की जमा है सौत कोड़े को कहते हैं कहा बकर गायों की दुमों की तरह कोड़े लंबे होने के लिहाज से और सख्त होने के लिहाज से गायों की दुमों की तरह होंगे यदलिबू नबी हन्नास वो इन कोड़ों से लोगों की पटाई कर रहे होंगे लोगों को मार रहे होंगे क्यों स्याको सबाक बता रहा है कि बतौले जुल्म मार रहे होंगे यानी कि उन लोगों को मार रहे होंगे जिनका कोई कसूर नहीं होगा बिला वजह लोगों पर ल्मों सितम कर रहे होंगे और इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो उन लोगों को सज़ा देते हैं जिन्होंने कुछ जुल्म किया होता है लेकिन सजा देते हुए हाथ से तजावज़ करते हैं हाथ से आगे बढ़ जाते हैं तो इससे पता चला कि ज्याती से बचना चाहिए तो किसी को आप कोड़े मारें किसी की आप पटाई करें और आप इसके ऊपर खुश हों और ये समते रहें कि मेरा रोब है मेरे सामने को बोल नहीं सकता तो ये दुनिया में तो मुमकिन है लेकिन रोद आखिरत इन कोड़ों का इस जुलमो सितम का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा दूसरा ग्रोह वन सा उन आ रिया ऐसी औरतें कासियात जिन्होंने लिबास पहना हुआ होगा आरिया लेकिन नंगी होंगी लिबास पहना है फिर भी नंगी हैं। इसका क्या मतलब है इसका एक मतलब यह है कि जिसम के कुछ हिस्सों पर लिबास मौजूद है और कुछ हिस्सों पर लिबास मौजूद नहीं।, नहीं है जिसम के कुछ हिस्सों को नंगा रखा गया है अपना हसनों जमाल जाहिर करने के लिए बेहयाई के तौर पे और दूसरा इसका मतलब ये है कि लिबास पहनना है लेकिन इस कदर बारीक है कि उससे जिसम की रंगत नज़र आती है और तीसरा मतलब ये है कि लिबास पहनना है लेकिन इतना तंग है इतना टाइट है कि उससे जिसम के मखसूस अज़ा का इलम हो रहा है कि कौन सा उज़व कितना मोटा है कितना बड़ा है क्या उसका साइज है ये सब बातें जहर हो रही हैं तो ये जहन्नम वालों का ग्रो है लिबास पहन के भी क्या होना नंगे होना तो ऐसी औरतें कासियातन जिन्होंने लिबास पहना हुआ होगा आलियात लेकिन क्या होंगी नंगी होंगी मुमीलात माइल करने वाली किन को गैर मर्दों को इनके गैर मर्दों को अपनी तरह मायल करने वाली इसका क्या मतलब है कि औरत को कैसा होना चाहिए औरत को ऐसी हालत में होना चाहिए कि दूसरे मर्दों को मायल करने वाली ना हो लिबास के एतबार से पर्दे के अतबार से और दीगर उमूर के एतबार से आवाज़ को आप ले लें आवाज़ भी ऐसी ना निकाल लें जिन जिस आवाज़ की वजह से मर्द गैर मर्द उसकी तरफ मायल हो रही हों तो फरमाया ऐसी औरतें जो लिबास पहने हुए होंगी लेकिन इसके बावजूद नंगी होंगी मोमी गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल करने वाली होंगी माँलातन ख़ुद उनकी तरफ मायल होने वाली होंगी मर्दों के साथ दोस्तियां लगाना इशारे किनारे करना उन्हें दोस्ती लगाने के लिए फ़ोन करना मैसेज करना या ऐसी हरकतें करना जिनसे लगे मर्दों को कि ये दोस्ती लगाना चाहती है ये ताल्लुक़ कायम करना चाहती है का असनी बुख्तिल मा इन औरतों के सर जो होंगे वो कैसे होंगे इनके जो सर होंगे वो लंबी गर्दनों वाले ऊटों के एक तरफ झुक जाने वाले कुहानों की तरह होंगे अलबुख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अलबुख्त उन ऊंटों को कहा जाता है जिनकी गर्दनें लंबी लंबी हों और इनको खुरासानी ऊंट भी कहा जाता है और इनकी आमतौर पे दो कुहाने होती हैं इनके दो कुहान होते हैं तो फरमाया ये जो औरतें होंगी जिनका तस्करा आ रहा है इनके सर कैसे होंगे लंबी गर्दनों वाले ऊंटों के एक तरफ झुक जाने वाले कोहानों की तरह يدخل जन्ना ये औरतें जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी वला जद न बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी व इन रि हा जबकि जन्नत की खुशबू लयू जदू मसीरती कदा वकदा इतनी इतनी मुसाफत से यानी कि जबकि जन्नत की खुशबू इतनी इतनी मसाफत से सूंगी जा रही होगी पाई जा रही होगी महसूस की जा रही होगी जन्नत की खुशबू को आम खुशबू नहीं है आम सी खुशबू हम लगाएं तो साथ वाले दोस्तों तक पहुंच रही होती है कुछ और अच्छी लगा लें तो वो आप जिस गली मोहल्ले से गुजर जाए वहां से आती रहती है एक कमरे में आप बैठे हो साथ वाले कमरे में भी आ रही होगी लेकिन जन्नत की खुशबू इतनी उमदा इतनी आला इतनी जबरदस्त कि दूर दूर तक उसकी खुशबू आ रही होगी लेकिन ये औरतें जिनका तस्करा किया गया है ये जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी आजकल की औरतों को इस अदीज पे गौर वफिक करना चाहिए अब यहां पे एक मसला तो ये है कि क्या औरतें अपने घरों में रहकर अपने बालों को ऊपर कर सकती हैं जिसको क्या कहते हैं जूड़ा बनाना क्या जूड़ा बना सकती हैं तो गुजारिश ये है कि अगर घर में गैर मर्द ना रहते हों तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है घर के अंदर रहते हुए जबकि घर में गैर मर्द ना रहते हों मिसाल के तौर पे देवर ना हो कोई कोई जेठ ना हो बहनोई ना हो फुफो के बेटे खाला के बेटे मामू के बेटे चचा के बेटे इस किस्म के लड़के महल्ले के लड़के घर में ना आते हों और घर में ना बैठते हों तो ऐसी औरत अपने सर के बाल सर के ऊपर रख सकती है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कैसे पता चला हमें आप सारी हदीस पे गौर करें स्याक वबाक पे तो आप भी इसी नतीजे पे पहुंचेंगे क्योंकि आप अली नाम फरमा रहे हैं कि ये औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी तो अगर कोई औरत किसी घर में अपने खामन के साथ रहती है तो उसका लिबास बारीक है या जिसम के किसी हिस्से पे है किसी हिस्से पे नहीं है या टाइट है तो क्या ये जुर्म है कोई जुर्म नहीं है ऐसे ही वो अगर अपने खामद को अपनी तरफ माइल करती है ख़ुद उसकी तरफ माइल होती है तो क्या ये जुर्म है कोई जुर्म नहीं है तो ऐसे ही अगर उसके सर के बाल बुलंदोबाला है जूड़ा बनाया हुआ है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है जबकि वह अपने घर में ऐसा करे घर से बाहर ना करे और घर में गैर मर्द ना आती हूँ और कलम ने इन अल्फाज की वजाहत करते हुए ये भी कहा है कि इस अदीस में वो औरतें भी दाखिल हो रही हैं जो अपने सर पे कोई कपड़ा वगैरह रख लेती हैं ताकि सर के बाल बलंदो बाला महसूस हों और उनका कद भी ऊंचा महसूस हो और वो ख़ूबसूरत नज़र आएं। तो वो भी इसमें शामिल हैं वो भी इसमें दाखिल हैं उसके बाद यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि आप अली सब शाम फरमा रहे हैं कि ये औरतें जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी तो क्या ये काफ़र हैं नहीं काफ़र नहीं हैं सिर्फ़ इस जुर्म की वजह से काफ़र नहीं होंगी अगर वो तोहहीद के ऊपर हैं और दीगर कुफ्रिया और शिरकिया उमूर से महफूज हैं तो हम इन गुनाहों की वजह से उन्हें काफ़र करार नहीं देंगे लेकिन ये पता चल गया कि यह गुनाह कबीरा गुनाह है इसीलिए कहा जा रहा है कि जहन्नम में जाएंगी अहले नार में से हैं जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं, नहीं पा सकेंगी तो इससे क्या पता चला कि गुनाह कौन सा है कबीरा गुनाह लेकिन कबीरा गुनाहों पे इतनी सख्त सज़ा कि जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी खुशबू भी नहीं पा सकेंगी इस बारे में आपकी क्या राय है ऐसा मौकफ तो खारजियों का हुआ करता है ख़वारज़ का ऐसा मौकफ तो मोता जिला का हुआ करता है जो समते हैं कि कबीरा गुनाहों का मुरतकब हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा हमारा ऐसा अकदा नहीं है हमारा ऐसा अकीदा उसके बारे में है जो कुफर शिरक पर फौत हुआ है लेकिन जो तोहीद के ऊपर फौत हुआ है अकीदा ठीक था सिर्फ़ ये है कि कबीरा गुनाहों का इतक करने वाला था उसके बारे में हमारा यकीदा नहीं है कि वो हमेशा हमेशा जहनम में रहेगा लेकिन हदीस तो खारजियों की और मतज़रा के अक़ायद की, की तायद कर रही है तो गुजारश ये है कि जब आप दीगर नसूस को साथ रखेंगे जिनसे पता चलता है कि कबीरा गनहों का कबीरा गनहों के मुरतकबीन की शफात नबी अलीस्म फरमाएँगे दिगे अम्बिया के नाम फरमाएंगे, फरिश्ते शफात करेंगे कई लोगों की मोमन शफात करेंगे कई लोगों की अल्लाह तला कई लोगों को किसी की शफात के बगैर भी जहनम से निकाल लेंगे या शुरू से ही मुआफ़ कर देंगे और जन्नत में भेज देंगे तो जब ये सारी नसूस आप सामने रखेंगे ये सब आदी सामने रखेंगे तो आप का कदा मोतजरा वाला क़ीदा नहीं होगा आप फिर ये अकीदा नहीं रखेंगे कि जो कबीरा गुनाहों का मरतकब है वह हमेशा हमेशा जहनम में रहेगा तो फिर सवाल पैदा हो गया इन अल्फाज का क्या मतलब है फिर तो इन अल्फाज का एक मतलब ये हो सकता है कि वो लोग और वो औरतें जो ये कहें कि हम इस शरीयत को नहीं मानती हम इस पाबंदी को नहीं मानती हमारा जिस्म हमारी मर्दी हम जो चाहें करें हमें कोई ना रोके यानी कि उनका ये नजरिया हो कि जिसम नंगा रखना कोई जुर्म नहीं गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल करना कोई जुर्म नहीं और बालों पे जुड़े बना के बाहर निकलना कोई जुर्म नहीं वो शरीयत के हिस्से को मानने से इनकार कर दें तो यकीनन ऐसी औरतें जन्नत में कभी नहीं दाखिल हो सकेंगी क्योंकि वो काफ़र हो चुकी हैं शरीयत के एक हिस्से का भी इनकार जुर्म है कुफर है हाँ शरीयत को मान लेना फिर अमली तौर पे गुनाह हो जाना कुतई हो जाना ये उसके मुकाबले में हल्का है तो इस हदीस का एक मतलब ये हो सकता है कि वो औरतें जो शरीयत के से हिस्से का इनकार करने वाली हैं तो वो चूंकि मुनकर हुईं काफर हुई तो इसलिए वो जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं हो सकेंगी और जन्नत की खुशबू कभी भी नहीं पा सकेंगी दूसरे नंबर पे गुजारिश ये है कि इससे मुराद हम ले लेते हैं वो औरतें जो मुसलमान हैं तो ही दो सुन्नत पर हैं लेकिन कबीरा गुनाहों का इरतकाब करती हैं जिंदगी उनकी पाकिजा नहीं है तो अगर हम ये हदीस उनके ऊपर भी चस्पां करें तो फिर मतलब ये होगा कि इब्तदाई तौर पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी बल्कि उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा जहन्नम में डाला जाएगा जब अपने जराय की सजा भुगत लेंगी तब उन्हें जन्नत में दाखिल होने का मौका दिया जाएगा शुरू में वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी और ना जन्नत की खुशबू पा सकेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला हल्का है नहीं मामला हल्का नहीं है जो ये समता है कि मामला हल्का है जो औरत ये समझती है कि मामला हल्का है उसको चाहिए कि अपने किचन में चली जाए और जो आग वहाँ पे जल रही है जो जो आखिरत की आग के मुकाबले में बहुत हल्की है आखिरत की आग इस आग से सत्तर गुना ज़्यादा तेज़ है तो ये जो किचन की आग है जो आखिरत की आग के मुकाबले में हल्की है उस पर हाथ रख कर देख लें एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए क्या बल्कि आधे मिनट के लिए बल्कि पंद्रह सेकंड के लिए दस सेकंड के लिए उसमें अपनी उंगली रखकर देख लें अगर आप ये आग बर्दाश्त कर सकती हैं तो फिर आप ये कहें कि मामला हल्का है और अगर मैं और आप जानते हैं कि हम उस आग में अपनी उंगली दस सेकंड के लिए पांच सेकंड के लिए नहीं रख सकते तो फिर आखरत की आग से डरना चाहिए और आग के मालक रब से डरना चाहिए जिसने आग में फेंकना है उससे डरना चाहिए उसकी नाराज़गी और गज़ब से बचना चाहिए जिन कामों पर वो लानत करता है उन कामों से दूर रहना चाहिए जिन गुनाहों की वजह से वो किसी को जहन्नम में डाल देता है उन गुनाहों से बचना चाहिए और उसको रादी रखने की कोशिश करनी चाहिए हदीस से भी पता चला कि जन्नत पर हक है और उस पर ईमान लाना ज़रूरी है और इस बात पर भी ईमान लाना ज़रूरी है कि जन्नत की खुशबू दूर दूर तक आ रही होगी उसके बाद बाब नंबर बारह बाब तहरीम सतर की तरफ शर्मगाहों की तरफ देखने की मत यानी कि इस बात का बयान होगा इस बाब में कि किसी की शर्मगा की तरफ देखना किसी के सतर की तरफ देखना हराम है दुरुस्त नहीं है नाजायज है यहाँ पे हदीस नंबर ग्यारह सौ उनासी वन वन सेवन नाइन और इस अदीज़ को अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम इमाम मुस्लिम हैं अन अबी सईद नद्री जी अन रसूल अल्लाह सल्हुह वसमक रवायत है जनाब अबू सईद खुदरी रद्ह ते कि बेशक रसूल अल्लाह सल्हु वसल्लम ने फरमाया अबू सईद खुदरी इनका नाम क्या है साद बिन मालिक बिनसन سنان الخضري खजर जी तो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सात ने फरमाया लांद रजुललाउल रजुल कोई मर्द किसी मर्द के सतर की तरफ ना देखे कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगा की तरफ ना देखे वललमर अतुलमर आ और ना ही कोई औरत किसी औरत की शर्मगा की तरफ़ देखे ना ही कोई औरत किसी औरत के सतर की तरफ़ देखे हदीस का ये हिस्सा इसमें कई सवाल पैदा होंगे एक सवाल ये पैदा होगा कि फरमाया है नबी अलीस्म ने कि मर्द मर्द की के सतर की तरफ ना देखे तो सवाल पैदा हो गया कि मर्द का सतर क्या होता है और आपने कहा है कि औरत औरत के सतर की तरफ ना देखे सवाल पैदा होगा औरत का सतर क्या है फिर यह सवाल पैदा होगा कि आपने मर्द को मर्द की तरफ देखने से रोका है औरत को औरत की तरफ से की तरफ देखने से रोका है इसका मतलब यह है कि औरत मर्द को देख सकती है और मर्द औरत को देख सकता है तो ये सवाल तो जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि औरत क्या है सतर यानी कि और इसे मुराद क्या मर्द का औरतरदुली मर्द का सतर क्या है इनके मर्द का वो हिस्सा कौन सा है जिसे देखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और जिसे ढांक कर रखना मर्द के लिए ज़रूरी है तो ये है नाव से लेकर घुटने तक नाव से लेकर घुटने तक अगरचे रानों के बारे में इतनाफ है कि रान सतर का हिस्सा है या नहीं लेकिन इन शाज मौक़ यही है कि नाव से लेकर गुटनों तक का जो जिसम है ये मर्द का सतर है उस पर वाजब है कि इसको ढाँग कर रखे किसी की यहाँ पर निगाह ना पड़ने दे और लोगों पर भी वाजब है कि वो इसे देखने से बचें और दूर रहें क्या दलील है इस बारे में इस बारे में दलील वो हदीस है जिसे इमाम अहमद वग़ैरह रिवात करते हैं दीगर एमए हदीस रिवात करते हैं इमाम तारक उतनी रवायत करते हैं शेख अलमानी ने उसे हसन करार दिया है उसमें यह आता है कि फरमाया नबी अलीस्म तो ने कि मर्द का जो सतर है वो नाव से लेकर गोठने तक है क्योंकि आपने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मर्द के लेकिन मुराद वहाँ पे क्या है मर्द है तो ये हो गया सतर किसका मर्द का अब सवाल पैदा होगा औरत का औरत के लिए सतर क्या है तो इस बारे में दो मौक़ हैं दो कौल हैं पहला मौक़ कई के नाम का ये है कि औरत के लिए औरत का सतर वही है जो मर्द के लिए मर्द का सतर है ये सतर भी कहते हुए मुझे मुश्किल पेश आ रही है अरबी में तो सीन के ऊपर ज़बर है और ते के ऊपर क्या है जज़्म है सतर लेकिन उर्दू में सतर कहना ज़रा मुश्किल लगता है इसलिए मैं क्या कह रहा कह रहा हूं सतर दूसरे नंबर पे, दूसरा मौकफ कि औरत के लिए औरत का सतर क्या है दूसरा मौकफ यह है कि औरत के जिस्म का वो हिस्सा जिसे औरत के महरम मर्द देख सकते हैं उसी हिस्से को दूसरी औरतें देख सकती हैं बाकी जो उसका जिस्म है वो सतर है और औरत के जिसम का वो कौन सा हिस्सा है जिसे उसके महल मर्द देख सकते हैं उसका बाप देख सकता है उसका बेटा देख सकता है उसका सगा भाई देख सकता है उसका सुसर देख सकता है ये कौन सा हिस्सा है हाँ, ये वो जिसम के वो आजा जिन्हें आजाए जीनत कहते हैं खूबसूरती वाले आजा यानी कि जहाँ पे जेवरात इस्तेमाल किए जाते हैं औरत बालियां इस्तेमाल करती है तो कहां इस्तेमाल करती है कान में तो कान और चेहरा आ गया इसमें तो चेहरा और तो नंगा रख सकती है अपने महरम मर्दों के लिए और ऐसे ही औरतों के लिए हार कहाँ पहनती है गले में तो इसका मतलब है अपना ये गला जो है ये नंगा रख सकती है महरम मर्दों के सामने औरतों और के सामने हाथों में क्या पहनती है कंगन अंगूठिया तो इसका मतलब यह है कि आपने हाथ और बाजू यह नंगे रख सकती है कि इनके सामने महरम मर्दों के सामने और औरतों के सामने पाओं में क्या पहनती है औरत तो इसका मतलब यह है कि अपने पाओं को और पिंडलियों को नंगा रख सकती है अपने महरम मर्दों के सामने और औरतों के सामने तो इसलिए औरतों को चाहिए कि अपना बाकी इस जिस जिसम ढहा कर रखें किनसे महरम मर्दों से भी और औरतों से भी गैर मर तो दूर की बात है महरम मर्द यानी कि अपने बाप से नाव से यानी कि अपने बाप से ये जो ए, गले से नीचे का हिस्सा है जिसम का पेट मिसाल के तौर पे नाफ शर्मगा रान घुटने ये हिस्सा छुपा कर रखें किससे अपने बाप से अपने बेटे से अपने सगे भाई से और ऐसे ही औरतों से अपनी माँ से अपनी सगी बहनों से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि औरतें इस मामले में सुस्ती का शिकार हैं ये मैं किन औरतों की बात कर रहा हूँ उन औरतों की जो मर्दों से पर्दा करती हैं लेकिन औरतों के सामने पूरा जिसम नंगा कर देती हैं और इस मामले में सुस्ती करती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ जब मजबूरी हो तो मजबूरी जब तक है उतना हिस्सा जहर कर सकती हैं जितना हिस्सा जहर करना मजबूरी है और उतनी औरतों के सामने जिनके लिए मजबूरी है मिसाल के तौर पर विलादत के मरहल हैं अब वो औरत जिसने विलादत के मामले में तामन करना है जिसको हम क्या कहते हैं दाई।, दाई तो वो अगर जिसम का कुछ हिस्सा देख लेती है जितना हिस्सा देखना जरूरी है तो ये तो मजबूरी है लेकिन ये क्या हुआ कि वहां पे सारे घर की औरतें पहुंच जाएं और यूं लगे जैसे पर्दा है ही नहीं यू लगे जैसे औरत का औरत से कुछ सतर ही नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इन मामला में एहतियात करनी चाहिए तो औरत के जिस्म के कौन कौन से आजा हैं कौन से मकामात हैं जो माहर मर्दों के सामने और दिगर औरतों के सामने नंगे हों तो कोई मसला नहीं है वो सर चेहरा गर्दन बाजू पिंडली इनके पाँव और पिंडली ही हाथ और बाजू हमने कह दिया तो फरमा रहे हैं नबी अली सात कोई मर्द किसी मर्द के सतर की तरफ ना देखे और कोई औरत दूसरी औरत की सतर की तरफ ना देखे, ना देखे। <सक्ष़ियों> इन अलफाज का मतलब ये हुआ कि जब कोई मर्द किसी मर्द के सतर की तरफ नहीं देख सकता तो वो किसी औरत के सतर की तरफ बेदर्ज है औरला नहीं देख सकता जब कोई औरत किसी औरत का सतर नहीं देख सकती तो वो मर्द का सतर बेदर्ज है औरला नहीं देख सकती उसके बाद फरमाते हैं नबी अलीस्त वाल वाहिद और कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक ही कपड़े में ना लेटे हम सब जानते हैं कि नबी अलीस्त की तालीमत हैं कि जब बच्चा सात साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने की तलकिन करो नमाज पढ़ने के बारे में उसे हुक्म दो और जब दस साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़े तो उसकी हल्की फुल्की पटाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये तरबियत के मराहल हैं और उसी मौका पर आपने ये कहा वह फिल भाई जब बच्चे दस साल के हो चुके हैं तो आप उनके बिस्तर अलग कर दो अब वो एक चादर में ना लेटें अब वो एक, एक, एक कंबल में ना लेटें तो ए, उसी हदीस के मुताबिक यहां पे फरमा रहे हैं नबी अली सातम कोई भी मर्द किसी मर्द के साथ एक चादर में ना लेटे मुराद कौन है मर्द मर्द, मर्द। यानी कि ये नहीं कहा कि मियाँ बीवी मियाँ बीवी एक चादर में लेट सकते हैं वलाफ दिल मर अतु दिल मर अतिफिस वाहिद और ना ही कोई औरत किसी औरत के साथ एक कपड़े में लेटे कोई भी औरत किसी औरत के साथ सगी बहनें भी एक चादर में नहीं लेटेंगी माँ बेटी भी एक चादर में नहीं लेटेंगी ये हमारी शरीयत है कितनी पाकिदा शरीयत, लेकिन हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर क्या होता है ऐसी खबरें हम सुनते हैं ऐसे वाक़ सुनते हैं बल्कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं जिनसे लोग फ़ोन करके सवाल पूछते हैं वो बताते हैं कि हमारे घर में ये कुछ हो रहा है हमें बताएं हम क्या करें तो इसलिए शरीयत के उन अमूर को दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए यानी कि कबूल करना चाहिए और इन अमूर पे अमल करना चाहिए इसी में इंसान के लिए खैर है दुनिया में भी और आखिरत में भी यहाँ पे ये वजाहत कर दूँ कि मर्द के, के जिस्म का कोई भी हिस्सा उसकी वाइफ के लिए सतर नहीं है और औरत के जिस्म का कोई भी हिस्सा उसके खामद के लिए सतर नहीं है दोनों एक दूसरे के जिस्म को अच्छी तरह देख सकते हैं ये वजाहत करना भी नायत ज़रूरी था क्योंकि माशरे में ऐसी बातें फैला दी गई हैं जिन बातों की वजह से कई लोग ये समझते हैं कि शायद मर्दों औरत मियां बीवी भी एक दूसरे के जिसम के कुछ हिस्से नहीं देख सकते जबकि सही बात यह है कि मियां बीवी एक दूसरे के जिसम के सभी हिस्से देख सकते हैं इसमें कोई हरज नहीं।, नहीं है नहीं। उसके बाद बाब नंबर तेरह बाब अलमुतब हु न बिन निसा वलमुतशब हा तो बिरजाल ये बाब है उन मर्दों के बारे में जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं और उन औरतों के बारे में जो मर्दों की मुशात इख्तियार करती हैं हदीस नंबर ग्यारह सौ अस्सी वन वन एट ज़ीरो ख़ा इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम कौन है इमाम बुखारी रजीमक रवायत है जनाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास रजियाल तुम से वो कहते हैं बिन नलमुत शब हातमिन इबिन के लानत की है रसूल सल वसम ने मर्दों में से उनपे जो औरतों के साथ मुशाबत अख्तियार करते हैं और औरतों में से उन पे जो मर्दों के साथ मुशाबत अख्तियार करती हैं एक तो इस शद से पता चला कि मर्दों का औरतों की मुशाबत इख्तियार करना और औरतों का मर्दों की मुशाबत अख्तियार करना गुना है कौन सा गुनाह कबीरा क्योंकि लानत आई है और जिस गुनाह पे लानत आए वो कबीरा गुना हुआ करता है तो फरमाया कि लानत की है नबी अलीम ने मर्दों में से उन पे जो औरतों के साथ मुशाबत इख्तियार करें ऐसे अमूर जो औरतों के साथ मखसूस हैं जो किन के साथ मखसूस हैं औरतों के साथ वो मर्द इख्तियार करे इसकी इजाजत नहीं है मिसाल के तौर तो पर कानों में बालियां डाल लेना और ये नाक में भी जो नाक का जेवर है वो यहां पे डाल लेना गले में हार डाल लेना कि हमारे नौजवान लड़कों ने अक्सर डाला होता है जो ये जायज नहीं।, नहीं है क्योंकि इसमें औरतों से मुशावत है ये औरतों का काम है और ऐसे ही हाथों में कंगन पहन लेना ये क्या है जो ये पहनेगा मर्दों में से वो औरतों की मुशाबत अख्तियार कर रहा है ऐसे ही वो पाउडर वग़ैरह चेहरे पे इस्तेमाल करना जो कौन इस्तेमाल करती हैं जो सिर्फ़ औरतों के लिए हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मुआरे में जो मर्द भी इस्तेमाल करते हैं औरतें भी इस्तेमाल करती हैं वो ममनू नहीं है लेकिन वो चीज़ें जिनके बारे में आपका पूरा मुल्क जानता है आपका पूरा इलाका जानता है पूरा गांव जानता है पूरा मोहल्ला जानता है कि ये चीज़ें औरतों की होती हैं लिपस्टिक है जी हाँ तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मर्दों का इ, इन चीज़ों को अख्तियार करना ये जायज़ नहीं, नहीं है या गुफ्तु में जानबूझ कर औरतों के अंदाज में गुफ्तु करना औरतों जैसी आवाज़ निकालना चाल चलने में औरतों की तरह उनकी मुशाबत इख्तियार करना तो ये सारे उमूर जो हैं ये ममनू हैं या मर्दों का औरतों का लिबास पहन लेना ऐसा भी देखा गया है कि वो लिबास जिसके बारे में सबको पता है कि किन का होता है ये औरतों का होता है वो मर्द इख्तियार कर ली तो ये उनकी मुशाबत है ऐसे ही औरतों में से किसी का मर्दों की मुशावत अख्तियार करना ये भी जुर्म है इसकी मिसाल क्या हो सकती है मिसाल के तौर पर को औरत आवाज़ कैसी निकालती है मर्दों जैसी आवाज़ निकालती है जानबूझ कर मदों की तरह चलती है मर्दाना लिबास पहनती है वो काम करती है जिनके बारे में पूरा मुल्क जानता है कि ये काम किन के होते हैं मर्दों के होते हैं बालों की कटिंग आप ले लें बाल इतने छोटे करवा लेना कि देखने वाला समझे कि ये मर्द है तो ये सारे उमूर जो हैं ये ममनू हैं और ये जायज नहीं है तो मर्दों को औरतों की मुशावत इख्तियार करने से बचना चाहिए और औरतों को मर्दों की मुशावत अख्तियार करने से बचना, बचना, बचना चाहिए उसके बाद बाब नंबर चौदाह बाब लुब नाली जूता पहनना जूता पहनने के बारे में ये बाब है कि जूता पहनने के मामले में हमारी शरीयत ने क्या तलीमात दी हैं क्या हिदायत दी हैं हदीस नंबर ग्यारह सौ इक्यासी वन वन एट वन काफ इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अबी हो रही रत रजील्

और जब जूता उतारे तो किससे आगाज़ करे बाई जानब से ली तन युमना अवल अल व आखिर हमा तुन जा क्या होना चाहिए होना ये चाहिए कि दाया दाया जो पाँव है वो दोनों पाँव में से पहला हो जिसमें जूता पहना जा रहा हो और दोनों पाँव में से आखिरी हो जिससे जूता उतारा जा रहा हो देखिए कि हमारा दीन कितना अजीम है एक एक मामले में हमें तालीमात दी जा रही हैं एक एक चीज़ हमें सिखाई जा रही है यानी कि हमें जानवरों की तरह नहीं छोड़ दिया गया जो मर्दी करें तालीमत दी गई हैं कि कब आपने उठना है कब आपने सोना है खाना कितना खाना है जूते पहनने के आदाब क्या हैं वाशरूम में जाने के आदाब क्या हैं लिबास के आदाब क्या हैं कौन सा लिबास पहनना है यानी कि एक एक मामले में हमें रहनुमाई दी गई है तो यहां पे बताया गया है कि जब जूता पहनेंगे तो पहले किस पाओ में पहनेंगे दाएं, दाएं पांव में और जब उतारेंगे तो पहले कौन से पाओ का जूता उतारेंगे बाएं पांव का उसके बाद वफी रिवायत लहुमा और इन दोनों की एक रवायत में है कि इन दोनों की बुखारी और मुस्लिम की अन् रसूल अल्लाह वसलम अकाल के फ़रमाया रसूल रसोल स ने शी अहदम फ़ी न वाहिदा लुहफ़ी ओ लियुमा जमीआ फरमाया कि तुम में से कोई एक जूते में ना चले तुम में से कोई एक पाँव में जूता पहन कर ना चले यानी दोनों पाँव में जूता होना चाहिए या दोनों में नहीं होना चाहिए एक पाँव में जूता हो दूसरे में ना हो इस हाल में चलने की इजाजत नहीं।, नहीं है फरमायादम तुम में से कोई एक ही जूते में ना चले लियो दोनों पाओ नंगे रखे औ लियो मा जमिया या दोनों में एक साथ जूता पहने तो एक पाओ में जूता हो एक पाओ में ना हो और आप चलें इसकी इजाजत नहीं है और यहाँ पर मुझे शेख नबाज़ रही की बात याद आ रही है मैंने पहले भी जिक्र की थी मुझे उम्मीद है कि आपको बात याद होगी कि शेख नबाज़ रही से सवाल किया गया सऊदी अरब की मुफ्ती आजम जो बीस पच्चीस साल पहले फोत हो चुके हैं सवाल ये किया गया कि अगर मेरे दोनों जूते किसी जगह पड़े हों और एक दूसरे से दूर हो तो मैं पहले एक जूता पहन लूं और फिर आगे चल के दो कदम चल के तीन कदम चल के चार कदम चल के दूसरा जूता पहन लूं, तो क्या मेरे लिए जायज़ होगा यानी कि ये तीन चार क़दम पांच कदम क्या होगा इसमें कि एक पाँव में जूता है दूसरे में नहीं है तो क्या इस तरह मेरे लिए जायज़ है तो शेख नवाज़ रही ने कहा था कि कोशिश करो कि तुम्हारा एक कदम भी नबी अलीलाम की अदीस की मुखालफत में ना उठे यानी कि इंसान का एक एक कदम नबी नबीसम की तालीमत के मुताबक हो उसका एक एक लफ्स कुरन हदीस के मुताबिक हो उसकी एक एक निगाह कुरन हदीस के मुताबिक हो उसका एक एक लफ्स सुनना वो हो जो कुरान हदीस के मुताबिक हो कई लोग पूछते हैं कि क्या जराबों में एक जराब पहन के हम चल सकते हैं तो उस बारे में यह हदीस नोट कीजिएगा मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आपने फरमाया तुम में से कोई एक मौजे में ना चले एक मौजा इनके एक पाओं में मौजा हो दूसरे में ना हो और चल पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसी पता चला कि जराबों के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए या दोनों पाओ में जराबे हों या किसी में भी ना हो कुछ लामाइक नाम ने कहा कि वजह क्या है क्यों नबी अली सत ने तलीमत दी हैं तो कुछ लमायक नाम ने कहा कि इसमें खाम खा की एक मशक्कत है एक पाँव में जूता हो एक में और आप चल रहे हो ये खाम खा की क्या है मुशक्क़त है आप आप अपने आप को मशक्क़त में डाल रहे हैं और दूसरे ुमा के ने कहा कि इसमें गिरने का खतरा है फिसलने का खतरा है और कुछ क्राम ने कहा कि ये मायूब है इंसान अच्छा नहीं लगता बुरा नजर आता है और इस्लाम चाहता है कि इंसान मुसलमान बावक़ार नजर आए इसीलिए क्या कहा है नमाज में आओ तो कैसे आओ सकीन से आओ दौड़ना नहीं है वक़ार के साथ आओ बाब नंबर पंद्रह बाबू फरक बालों में मांग निकालना बालों में मांग निकालना हदीस नंबर 1182 सो बयासी काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफाक है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अनिबिन अब्बासन रदी अल्लाह उन्हमा रवायत है जिनाब अब्दुल्ल बिन अब्बास रद्लुमा सेन्ना रसूल सल वसम कान यसदलशा वक़ान दलमुशून यफ़रक़ून ऊस व कान अल किताब यसलून के बेश रसूल सल वसम अपने बालों को छोड़ दिया करते थे लटका लिया करते थे यानी कि आपके बाल पिशानी की जानम लटके होते पिशानी की जानम क्या होते लटके होते और जो मुशरक थे आपके ज़माने के वो अपने सर के बालों में मांग निकाला करते थे यानी कि मशरकने मक्का और दीगर मुशरकिन सर के बालों में क्या करते थे मांग निकालते थे और नबी वसल्लम क्या करते थे थी? अपने बालों को लटका लिया करते थे जिनके मांग नहीं निकालते थे वकान अहल किताब भी यसिलून और अहल किताब यहूदी ईसाई भी अपने सर के बालों को लटका लिया करते थे जिनके मांग नहीं निकालते थे तो नबीलाम ने कौन सा अमल इख्तियार किया जो ईसाई करते थे जो शुरू इस्लाम में आपकी यही पॉलिसी थी कि आप देखते हैं उस मामले में जिस मामले में अल्लाह की तरफ से कोई तालीमत नाजल ना हुई होती आप उसमें देखते कि यहूदी ईसाई क्या करते हैं और मशरकिन क्या करते हैं तो आप चाहते थे कि आपका अमल अहल किताब की तरह हो क्योंकि बहरहाल इनके ऊपर आसमानी किताबें नाजल हुई है। हैं ये मशरकें मक् से बेहतर हैं बुप्रसों से बेहतर हैं लेकिन बाद में क्या हुआ बाद में आपने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली फिर क्या था कि आप अहले किताब की मुआफकत से बचा करते थे इजतनाब करते थे बल्कि बहुत से उमूर में आपने यहूदियों रईयों की मुखालफत की है मिसाल के तौर पे दस मुहलम का रोजा है तो आपने कहा था मैं जिंदा रहा तो आइंदा साल किस तरीके का रोजा रखूंगा नौ का कि नौ और दस दो रोजे हो जाएंगे किस लिए यहूदियों की मुखालफत हो जाए हैदा औरत से मेल जोल रखना इसमें कुछ कुशुबा नहीं है कि हैदा औरत से जमा करना ये गलत है ये जायज नहीं है लेकिन क्या आप उसको अपने घर में रखेंगे या घर से निकाल देंगे घर में रखेंगे क्या आप उसके साथ बैठ सकते हैं बिल्कुल बैठ सकते हैं कि क्या हाम उसके साथ लेट सकता है बिल्कुल लेट सकता है तो इस मामले में भी आपने यहूदियों ऊंचाई की क्या किया मुखालफत की है और ऐसे ही किबले के बारे में आपने बैतुलमकदस को तर्क किया और कौन सा किबला इख्तियार किया मक्का का जी।, जी और ऐसे ही दाढ़ी के सफेद बाल उनको रंगीन करना आपने फरमाया इनको रंगीन किया करो यह नहीं करते तुम किया करो और उनकी मुखालफत करो यदि से आगे आने वाली है तो बहल यहाँ पर देखिए किब्दुल अब्बास कहते हैं कि नबी अलीसम अपने सर के बालों को लटका लेते थे और मश्रक अपने सर के बालों में मांग निकालते थे और अहल किताब अपने सर के बालों को क्या करते थे लटका लेते थे वकान रसूल सल्लम हिब्बू मुआफत अहल किताबी फी मरफी बिशई और नबी अलीसम पसंद करते थे अहल किताब की मुआफत करना आप पसंद करते थे अहल किताब की मुआफत करना उन अमूर में जिन में किसी किस्म का हुक्म ना दिया गया हो कोई तालीमा नाजल ना हुई हो शरीत का वो हिस्सा जिसमें शरीत खामोश हो उसमें आपकी पॉलिसी क्या होती थी कि आप किन की मुआफत करें और ईसाइयों की क्योंकि बहरहाल अहल किताब महतरा तो रसूल सल्हलमसा फिर नबी अलीसम ने अपने सर के बालों में मांग निकाली तो पहले आप मांग नहीं निकालते थे हालांकि मुशर्की मक्का निकालते थे और बाद में आपने सर के बालों में मांग निकाली है और यहूदी की क्या की है मुखालफत की है इस मुखालफत में अपनी कौम की मुशावत हो गई है किस कौम की मश्रकिन की।, की तो क्या उनकी मुशाबत इख्तियार करना जायद है गुजारिश यह है कि जिस मामले में तालीमत ऊपर से नाजिल हो जाए अल्लाह अल्ला के रसूल की तरफ़ से सल्ह वसलम वहां पे ये नहीं देखते कि उनकी मुशावत है या नहीं कई लोग कहते हैं जी आप कहते हैं दाढ़ी रख लो दाढ़ी तो सिखों ने रखी होती है तो फिर तो हम उनके मुशावे हो जाएंगे भाई जहाँ पे शरीयत ने वादे तौर पे कह दिया ये काम करें वो आपने करना है कोई और करे या ना करे और जिस काम पे शरीयत ने रोक दिया उससे आपने दूर रहना है कोई और ये काम करे या ना करे कोई और उससे दूर रहे या ना रहे उसके बाद हम बाब नंबर सोलह की तरफ बढ़ते हैं बाब खिदाब शैबी सफ़ेद बालों को खजाब लगाना सफ़ेद बालों को रंगीन करना हम ये सब जानते हैं कि शरीयत ने सफ़ेद बालों को नोचने से उखेड़ने से रोका है अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जिसका नंबर है चार हज़ार दो सौ दो उसमें नबी अलीस्म उस ने सफेद बालों को नोचने से उखेरने से मना किया लेकिन उनको ना नोचना और रंगीन कर लेना इसकी इजाजत है बल्कि इसकी तरगीब है बल्कि इसका हुक्म है हदीस नंबर ग्यारह सौ तिरासी वन वन एट थ्री काफ इस हदीस के बयान करने पर इतफाक है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अबी हरत रज़ी क़ाल रवायत है जनाब अब हर रज़ी ते क़ाल नबी को सल्ह वसम फ़रमाया नबी सल्हसम ने इन यह ना ला य फ़ख़ू हम कि यहूदी और ईसाई अपने सफ़ेद बालों को रंगीन नहीं करते यहूदी और ईसाई अपने सफेद बालों को खिजाब नहीं लगाते तो तुम क्या करो उनकी मुखालफत करो यानी कि तुम ये काम किया करो तो इससे क्या पता चला कि बालों को रंगीन करना बेहतर है या ना करना बेहतर है क्योंकि तरगीब देने अल्लाह के रसूल कहने कि यहूदी ईसाई ये काम नहीं करते तुम करो यानी कि उनकी मुखालफत करो इससे पता चला कि अपने दा, अपनी दाढ़ी के सफेद बालों को या सर के सफेद बालों को रंगीन करने वाले उनसे बेहतर हैं जो रंगीन नहीं करते बल्कि कुछ ओलमा कराम ने कहा कि यह वाजब है अपनी दाढ़ी या सर के सफेद बालों को रंगीन करना क्या है वाजब है कुछ उलमाई कराम का यह मौकाफ है और आप अगर वाजब नहीं मानते कम अज कम यह तो मानना पड़ेगा कि बेहतर है मुस्त है तो रंगीन करने वाला उससे अफजल और बेहतर है जो रंगीन नहीं करता, नहीं करता। हदीस नंबर ग्यारह सौ चौरासी वन वन एट फोर मीम इस हदीस के रवायत इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन से इमाम हैं मुस्लिम अंजाब अब क़ाल उती अब अबी खुहा फत मक्का जाबर बिन अब्दुल्ल अंसारी ऱी अल्लाह तुम आशिर रवायत है वो कहते हैं कि अबू कुहाफा को फ़तह मक्का के दिन लाया गया जिस दिन फतह हुआ उस दिन किसको लाया गया आपके पास अबू कोहाफ़ा को अबू कोफ़ा कौन है जनाब अबू बकर सिद्दीक के वाले ग्रामी तो अबू कोहाफ़ा को लाया गया वास हो व्यत हो क बयादन जबकि उनका सार किन का अबू कोहाफा का उनका सार और उनकी दाढ़ी वो सगामा बूटी की तरह थे बयादन किस इतबार से सफेद होने के अतबार से यानी कि अबू को हाफा की दाढ़ी और अबू को हाफा का सर सफेद होने के तबार से ऐसे था जैसे सखामा बूटी सफेद होती है या उसके फूल जैसे सफेद होते हैं फकाल रसूल तो फरमाया रसूल सूह इन ई रूहादाई विषय इन इसको तब्दील करो किसी चीज के साथ किसको यानी कि अबू कुहाफा के बालों को इनकी रंगत क्या करो तब्दील करो गई रूहादा इनको तब्दील करो किसी भी चीज के साथ कोई, कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वज तनिब किस रंग से बचो काले रंग से तो पता चला खालस काला रंग इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है को और रंग इस्तेमाल करें या खा या काले रंग के साथ को और रंग मिक्स हो इस बारे में चंद और रिवायात आपके सामने रखना चाहूँगा ये रवायत है अबू दाऊद शरीफ की चार हजार दो सौ पाँच जिसमें आपने फरमाया है कि बालों को रंगीन करने के लिए क्या इस्तेमाल करो मेहंदी इस्तेमाल करो और कतम बूटी इस्तेमाल करो मेहंदी और कतम बूटी इस्तेमाल करें तो रंग खालस काला नहीं रहेगा तो ये जायज़ है इसके अलावा अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है अबू दाऊद शरीफ में और रवायत का नंबर है चार हजार दो सौ दस कि अब्दुल्ला बिन उमर अपनी दाढ़ी को वर्ष और जाफरान के साथ रंगीन कर लिया करते थे उसके अलावा ये बाजीर में रहे कि खालस काला रंग इस्तेमाल करना इससे बचना है इस बारे में एक हदीस पहले पेश कर चुका हूं एक हदीस और सुनिएगा यबूद शरीफ की है इसका नंबर है चार हजार दो सौ बारह आपने फरमाया कि आखिरी ज़माने में एक ऐसी कौम आएगी ऐसे लोग आएंगे जो काले रंग को बतौर खिताब इस्तेमाल किया करेंगे और वो लोग जो होंगे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे वो जन्नत की खुशबू कौन जो खालस काला रंग इस्तेमाल करेंगे तो क्या पता चला खालस का रंग इस्तेमाल करना जायज है कि नजायज़ है नजायज़ है मना है ममलू है इसीलिए इमाम नबवी राहुल्ल् ने इस कौल को इख्तियार किया है जिस कौल का मफाद ये है कि खालस काले रंग के साथ बालों को रंगीन करना हराम है तो ये था दाढ़ी के बालों को रंगीन करने के बारे में अब हम पढ़ते हैं बाब नंबर सत्रह बाब अन नह अनिल कज़ा इस बाब में बयान होगा किस बात का कि कज़ा जो है इसकी ये मना है ये बाब है कज़ा की ममानत के बारे में हदीस नंबर ग्यारह सौ पचासी वन वन एट फाइव इस हदीस के रवायत करने पे इतफ़ाक़ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का आनिबिन रवायत है जनाबी से वो कहते हैं तो रसूल अनिल क़ा मैंने सुना नबी अलीसम से कि आप कजा से मना फरमा रहे थे किसे मना फरमा रहे थे कजा।, कजा से आप कहेंगे कजा की वजात नहीं हो रही तो वजात इसलिए नहीं हो रही क्यों रवायत में मौजूद है खाल उबैदुल्ला उबैदुल्ला कहते हैं किबैदुल्ला कहाँ से आ गया जी असल में ये हदीस तो अभी हमने पढ़ी है कि नबी अलीसम ने क़ा से मना किया है इस हदीस को रवैत करने वाले साबी कौन अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला बिन उमर तक इमाम बुखारी कैसे पहुँचे यह हदीस लेने के लिए इमाम बुखारी तो बाद में आए हैं तो जवाब ये है कि इमाम बुखारी अब्दुल्लाह बबिन उमर तक पहुँचे हैं कई लोगों के वास्ते से अगर ये हदीस आप तफसील के साथ पढ़ेंगे बुखारी से में, तो इमाम बुखारी कहेंगे मैंने कि मैंने ये हदीस ली है मोहम्मद बिन सलाम से यानी कि मोहम्मद बिन सलाम अल बीकंदी से और उन्होंने हदीस लिया मखलत बिन अल हरानी से और उन्होंने इबन जुराइज से और उन्होंने उबैदल बिन उमर बिन हफ्स बिन आसम बिन उमर से ये चौथे नंबर पर रावी हैं ये वैतः जिनका भी नाम आया कौन इनका नंबर कौन सा है इस हदीस सन, की सनत में चौथा नंबर और वो रवायत करते हैं उमर बिन नाफे से और वो रिवायत करते हैं अपने बाप नाफे से और वो अब्दुल्ला बिन उमर से तो इमाम बुखारी से अब्दुल्ला बिन उमर तक पहुँचते हुए कितने रावी आए सात तो सात वास्ते हैं बुखारी शरीफ में वो अहादीस जो कम वास्तों वाली हैं वो कौन सी हैं जिनमें तीन आदमियों का वास्ता होता है इमाम बुखारी और अल्लाह के रसूल के दरमियान कितने रावियों का वास्ता होता है तीन का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसी आदीस को क्या कहता है सुल यात और इमाम बुखारी इमाम बुखारी की वो अदीस जिनमें रावी सिर्फ तीन है और ऐसी रवायात बुखारी से कितनी है तकरीबन बाईस तकरीब बाईस लेकिन यहाँ पे कितने रावी हैं सात तो इन में से जो रावी नंबर चार उबैदुल्ला बिन उमर हैं जनाबी उमर फरूक़ की औलाद में से हैं तो वो कहते हैं कुल तो मैंने कहा उबैदल्ला ने किससे कहा होगा उमर में नाफ़े से यही उनके उस्ताद हैं तो मैंने कहा वमल काजा हो यह काज़ा क्या चीज़ है जैसे अल्लाह के सुनने रोका है फाशालाबैदुल्ला तो हमारे लिए इशारा किया उबैदुल्ला ने काला के नाफ़े ने कहा था किसने कहा था नाफ़े ने इदा हल कसबिया जब कोई बच्चे के बाल मूँड ले जब कोई बच्चे के बाल मूँड ले व तर कहा होना अशारतन वहाना वहा हुना और कुछ बाल यहाँ छोड़ दे कुछ यहाँ छोड़ दे कुछ यहाँ छोड़ दे अशा रलना उबैदुल्ला तो बैतल्ला ने हमारे लिए इशारा किया इला नासी अपनी पेशानी की तरफ कुछ बाल इधर छोड़ दे व जान ही बई ही और इशारा किया अपने सर के दोनों जानम की तरफ कुछ इधर छोड़ दिए कुछ इधर छोड़ दिए कुछ यहां पे छोड़ दिए और बाकी क्या मूड लिए तो सर के कुछ बाल मूड लेना और कुछ ना मूडना उन्हें छोड़ देना यह कजा है और इसे के रसूल ने मना किया है और तौर पे मुसलमान इस हदीस की खिलाफवर्जी कर रहे हैं एक बड़ा तबका मुसलमानों का इस अदीज की परवाह ही नहीं करता वो क्या कहते हैं वो कहते हैं जी हमारे बच्चे की कौन सी काट बनाए जी बर्गर काट, जिसमें सर आधे सर के बाल मूडे हुए होंगे और आधे के मौजूद होंगे और कई ऐसी कई लोग पीरों के नाम पे बालों का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं बाकी मूड देते हैं तो वो भी गलत और ये भी गलत है तो इसलिए अल्लाह के रसूल करसोना ने कदा से मना किया है फिर फिर आगे का पढ़ दूँ कालाबैदुल्लाबैदल्ला रावी कहते हैं जो इस अदीस की सनद में रावी नंबर चार हैं उबैदल बिन उमर बिन हफ्स जनाब उमर फ़ारूक़ की औलाद में से हैं वो कहते हैं मैंने कहा उमर बिन नाफ़े से वमल कज़ाऊ कज़ा क्या चीज़ है जिससे अल्लाह के रसूल ने रोका है फशा लना उबैदल्ह तो हमारे लिए इशारा किया उबैदल ने कला कहा नाफ़े ने कईदा हलक़ कसबैया जब कोई बच्चे के बाल मूँडे व तरह कहा होना शारतन और यहाँ पर कुछ बाल छोड़ दे वहाँ होना कुछ यहाँ छोड़ दे वहाँ होना कुछ यहाँ छोड़ दे तो ये क्या है ये कज़ा है ये बात करते हुए इशारा किया उबैदुल्ला ने हमारी खातर किशारा किया।, किया थी अपनी पिछानी की तरफ व जानी बई राशी और अपनी सर के दोनों जानब की तरफ उसके बाद हदीस नंबर बाब नंबर अठारह बाब एफा लिहा दाड़ियाँ क्या कर देना माफ दाड़ियों को मुआफ कर देना यानी कि उनको छोड़ देना उनकी हालत में ना मूडना ना उनके बाल नोचना और ना काटना हदीस नंबर ग्यारह सौ छियासी वन वन एट सिक्स काफ़ इस अदीस के बयान करने पे इतफ़ाक़ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का आने बिन उमर रवायत है अब्दुल्ला बिन उमर से आनी नबी वो रवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कला कि आपने फरमाया मुशरिकीन मुशरिकीन की मुखालफत करो किन की मखालफत करो मशरकिन की तो इस्लाम कहता है यहूदियों ईसाइयों की मुखालफत करो मुशरिकीन की मुखालफत करो क्या मतलब है इस मुखालफत का कि उनकी जा कर ऐसी पुटाई शुरू कर दो नहीं ये मतलब नहीं है मतलब ये है कि उनकी नकल ना करो उनकी तहजीब इख्तियार ना करो जो काम वो करते हैं और वो उन्हीं की सद खास हैं या उनके दीन का हिस्सा हैं तो उनकी नकल ना करो उनकी मुशात अख्तियार ना करो उनकी मुशावत अख्तियार ना करो यहाँ पे कह रहे हैं मुशरकिन की मुहालफत करो वफिर दाढ़ी के बालों को क्या करो उनको छोड़ दो उनको छोड़ दो उनको छोड़ दो यानी कि उनको बढ़ने दो मुराद ये उनको, उनको बढ़ने दो व आहफु शवाब और मूछें अच्छी तरह साफ करो मूछें अच्छी, अच्छी तरह साफ करो ये फरमा रहे नबीम इनके मूछों की जो बाल हैं वो बिल्कुल उनको अच्छी तरह साफ कर दो उसके बाद वकान अब उमर अब्दुल्ला अबन उमर हिदा हज जा जब क्या करते हज करते अब या उम्र करते काबद ही अपनी दाढ़ी को कब्जे में ले लेते में ले लेते अपनी दाढ़ी को कब्जे में ले लेते में ले लेते जैसे ये देखें तो काबद आला अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में ले लेते फमा फ तो जो एक मुट्ठी से जैद होती आद उसको ले लेते इनके उसको काट देते ये देखें जब आप पकड़ेंगे तो आप नीचे वाले जो बाल हैं इनको काट देते कौन अल्लाह रदगी तो अब मेरा और आपका मौकफ क्या होना चाहिए कि क्या दाढ़ी के बालों को ऐसे काटा जा सकता है दाढ़ी के बालों को काटने से बचिए क्योंकि नबी अली ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनका मफहम यही है कि दाढ़ी को उनके हालत पे छोड़ दो ना मूडो ना काटो चुनाचे इमाम नबी रहीम कहते हैं कहते हैं राजे बात यह है कि दाढ़ी को छेड़ा नहीं जाएगा ना बाल काटे जाएंगे ना मूँडे जाएंगे ना कुछ और किया जाएगा दाढ़ी को उसकी हालत पर छोड़ दो इनकी तो इसलिए अब्दुल्ला अब उमर या किसी और सहाबी की वजह से अपनी दाढ़ी के बाल काटना ये दुरुस्त नहीं होगा नबी अलीसम की हदीस के अल्फाज वाजे हैं इस मामले में कि दाढ़ी को उसकी हालत पे छोड़ दिया जाए जिनके उनके बालों को बढ़ने दिया जाए और घना होने दिया जाए अच्छा अब यहाँ पर सवाल होगा दाढ़ी कहते किस को हैं देखिए दाढ़ी के लिए लफ्ज़ आपने क्या इस्तेमाल किया लिहा ये जमा है इसके बाद क्या होता है लेहिया तो ले उन बालों को कहते हैं जो इंसान की रुखसारों पे पैदा होते हैं उगते हैं और कहां पे थोड़ी पे तो ये क्या है ये दाढ़ी है तो इसलिए दाढ़ी के इन बालों को कि इनको आने दें और इनको काटने वगैरह से क्या करें गुरेज करें परहेज करें तो ये था आज का दर्श और यहीं पे आज के दरस का अहतितमाम करते हैं लेकिन उससे पहले मैं ये बयान करना चाहूँगा कि यहाँ पे कहा गया वह शवारीबा मूछों के बाल अच्छी तरह साफ कर दो तो कुछ रिवायत से पता चलता है कि अच्छी तरह साफ कर देने चाहिए कुछ से पता चलता है कि काट लेने चाहिए खुद नबी अलीसम ने एक दफ़ा अपने साबी के बाल काटे थे तो इससे क्या पता चला कि मूछों के बाल काट लेने चाहिए लेकिन मुझों के बाल इतने बड़े हों कि बुरे नजर आए पानी में दाखिल हो रहे हों गलास में दाखिल हो रहे हों तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब होगा तो यहीं पे आज के दरस का अहतनामाम करते हैं अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अली अलीसम की अदीत के साथ सच्ची मोहब्बत अनायत फरमाए और अल्लाह तौज़ क्यात हमें आपके झंडे के नीचे खड़ा फरमाए आपके हौस से पानी पीने की तौफीक दे रब्बिल आलमीन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेलाइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फावक्ता आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज